The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar dosto. Alright, talking about ringworm or candida. Ringworm kya hai? Fungal infection hai. Jiha, ye koi worm nahi hota hai. Ye fungal infection. Aur candida apne aap mein ek bahut hi common aur well known fungal infection hai. Aapko ringworm fungal infection jo hai, aapko ek chota sa skin rash se bada sa wo kar sakte hai, ring jaisa, ring enhancing lesion jaisa, ring jaisa lesion kar sakte hai. Aur ye aapke kahin par bhi ho sakta hai, skin mein, baal mein, head mein, pair mein, haath mein, kamar mein, ye burn karega, itch karega aur ye dono mein ho sakta hai, right? So kya hai ringworm, kya hai ek candida, usme difference kya hai? Dono fungal infection hai aur technically speaking jo ringworm hai wo ek dermatophyte hai. और डर्मेटोफाइट बेसिकली एक सिंपल टाइप का फंगस है जो कि स्किन, हेयर और नेल, ये तीनों में अफेक्ट कर सकता है. स्किन, हेयर, नेल, कहाँ, कौन, डर्मेटोफाइट. ये सिर्फ चमड़ी पे, बाल पे या नाखूनों पे अफेक्ट करेगा. कैंडिडा एक यीस्ट है, यीस्ट है और ये इन्फेक्शन और भी एरियाज में फैल सकता है, आपके बॉडी के अंदर भी जा सकता है. कैंडिडा आपके वजाइना में इन्फेक्शन कर सकता है, ओरली इन्फेक्शन कर सकता है, अंदर भी जा सकता है. सो कैंडिडा अंदर भी कर सकता है कई, और ये दोनों सेम पार्ट को भी इफेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट पार्ट को भी कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपीयरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है इन दोनों का, उसके बारे में बातचीत करते हैं. अगर रिंग वर्म की बात करें, वो इसमें ऑब्वियसली इसके कौन कौन से टाइप्स हैं. रिंग वर्म के एग्जाम्पल हो गए एथलीट्स फुट, टीनिया पेडिस जो अभी हमने ऑलरेडी वीडियो में बात करी और दूसरे वीडियो में, और जॉक इच, टीनिया क्यूरिस जो आपको खुजली होती रहती है, वो भी स्काल्प में इन्फेक्शन, हेयर में, टीनिया कैपिटिस, नेल में इन्फेक्शन, लेग, आर्म, ट्रंक, पूरे चमड़ी में जितना इन्फेक्शन है, दैट इज रिंग वर्म बेसिकली. और ये आपको करेगा इचिंग, बहुत खूंखार इचिंग करेगा. जब भी इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो सकती है और आप कभी कभी रिंग शेप का स्कार भी, रैश भी आ जाएगा वहाँ पर, कभी कभी पूरा फैल जाएगा लाल लाल रंग का, या नॉर्मल स्किन कलर का भी हो सकता है. स्काल्प में हो तो हेयर लॉस भी हो सकता है और पैची एरियाज हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है. फंगस कभी कभी पैरों में आ सकता है, जिसमें इट माइट लुक मशी, एंड पैरों में आपका एथलीट्स फुट या फिर फंगल नेल इन्फेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल. ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकता है बड़ी आसानी से. कोई भी चीज़ को आपने हाथ लगा दिया, टॉवल यूज करके दूसरे ने यूज कर लिया, आप कहीं पे नंगे पैर चल गए, नंगे पैरों से फैल गया, तो टच से ये आपका डर्मेटोफाइट, ये रिंग वर्म फैल जाता है. और कैंडिडा की अगर हम बात करें, तो कैंडिडा यानी यीस्ट है, वो यीस्ट इन्फेक्शन कॉमनली एक तरीके का फंगस ही है स्पीशीज में, लेकिन ये ऑब्वियसली ये भी बहुत सारे पार्ट्स बॉडी के अफेक्ट करता है, बहुत सारे पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है. और यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि कैंडिडा ऑलरेडी आपके बॉडी में प्रेजेंट है. क्या मालूम आपको, आपके मुंह में कैंडिडा है, आपके बॉडी के अंदर सब जगह पे. एक नॉर्मल फ्लोरा यानी अंदर रहने वाले बैक्टीरियो में, बैक्टीरियाज में एक बैक्टीरिया कैंडिडा है. जी हाँ, सो कैंडिडा आपके अंदर है, तो इसका इन्फेक्शन कैसे हुआ? नहीं, इसका इन्फेक्शन नहीं होता, इसका ओवरग्रोथ होता है. जी हाँ, ओवरग्रोथ होता है. जैसे ह्यूमंस का ओवरग्रोथ हो गया है अर्थ के ऊपर, बिल्कुल वैसी कैंडिडा का अगर ओवरग्रोथ हो जाए कहीं पर भी, तो वो प्रॉब्लम कर जाता है. जैसे कि वजाइना में ओवरग्रोथ हो सकता है, कैंडिडल वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है. माउथ में आपके टंग सफ़ेद हो जाती है, ओरल थ्रश हो जाता है. स्किन के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, नेल बेड के ऊपर, कोई भी मॉइस्ट एरिया, अंडर आर्म्स के ऊपर, ऐसे जगहों पे कैंडिडास का ओवरग्रोथ हो सकता है. वुमेन जिसको वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है, इनको वाइट चीजी डिस्चार्ज निकल के आता है, और मुंह के अंदर अगर कैंडिडा आ जाए तो थिक वाइट लेसी पैच आ जाएगा आपके टंग के ऊपर. स्किन के ऊपर अगर कैंडिडा आ जाए तो लाल रंग का फ्लैट रैश आएगा, विल समथिंग कॉल्ड एज स्कैपोल्ड एजेस. स्कैपोल्ड एजेस, देयर कैन बी ऑल्सो सैटेलाइट लेजन थोड़े बहुत नीचे नियर बाय, बेसिकली इस तरीके के, और उसमें पस भी भर सकता है, पुस्टूल भी हो सकते हैं.
मेन को ज्यादा होता है, आदमियों को यीस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है और ये उनके स्क्रोटम में भी हो सकता है. जी हाँ, स्क्रोटम में भी हो सकता है. दैट इज कैन शो लाइक एज अ बम्प, एक बम्प जैसा भी हो सकता है. सो ऑब्वियसली इन दोनों का ही ट्रीटमेंट एक बराबर होता है. इन दोनों में आपका एंटीफंगल क्रीम्स, चाहे कोट्रामेजोल की, मीकोनाजोल की, टर्बिना फ्रीम फिन की क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स या इवन टैबलेट्स यूज की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ है, कितना गहरा है और किस तरीके का है. राइट. सो ये हुई बातचीत बेसिक, व्हाट इज द टाइप एंड व्हाट आर द सिंपल ट्रीटमेंट डिफरेंसेस बिटवीन कैंडिडा एंड रिंगवर्म. याद रखिएगा, इसमें और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्रिसियोफुलविन, बहुत सारे ऑप्शन, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रिवेंशन. आप क्या प्रिवेंशन हम बता सकते हैं भैया? देखो, किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस चमड़ी को सूखा यानी ड्राई रखो. कीप योर स्किन ड्राई, दैट रियली रियली हेल्प्स. एंड अपने खुद की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, खुद की करो, शेयरिंग मत करो. शेयरिंग, गीली गीली चीज़ें शेयर करोगे, यू विल बी सॉरी आफ्टर शेयरिंग दैट. मैनीक्योर पेडिक्योर वाले कराने वाले लोग स्पेशली इस बात का ध्यान रखें, नेल्स को प्रोटेक्ट करें. नेल पॉलिश का जो है कायदे से, तो वो